दोस्तों आज हम बहुत ही खास टिप्स ट्रिक एंड आइडिया शेयर करेंगे जो बहुत ही यूजफुल होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना और जरूर ट्राई करके देखना। तो दोस्तों सबसे पहली टिप है हमारी, जब भी हम किसी तरह के पकोड़े बनाते हैं, खासकर हम आलू प्याज की जब भजिया बनाते हैं तो थोड़ी सी उसमें कसूरी मेथी डाल लें तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कसूरी मेथी की वजह से बहुत ही एक अलग डिफरेंट टेस्ट आता है। और दूसरी टिप है इसी से रिलेटेड कि जब भी आप मिक्स करते हैं तो पानी का बहुत ही कम यूज करें, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाएं तो बहुत ही क्रंची बनेंगे। दोस्तों टिप नंबर दो है, जब भी हम गोभी लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें अक्सर कर कीड़े होते हैं, तो हमें क्या करना है, गोभी को कट करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गोभी के पीस हम छोटे छोटे कट करेंगे, उससे होगा क्या कि हमें देखने में बहुत ही आसानी रहेगी, अच्छे से हम उसको देखेंगे कि उसमें कीड़े तो नहीं हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम नमक डालकर इसको 2 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टिप है, गर्म पानी में 2-3 बार वॉश करने के बाद गर्म पानी में फुल गैस पर हम करीब 5-7 मिनट तक अच्छे से इसको बॉईल करेंगे, जो भी कीड़े होंगे, गंदगी होगी, छोटे मोटे कीड़े जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो सारे उबल कर तैर कर ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें करीब 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे, तो नमक से गोभी सॉफ्ट भी जल्दी होती है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है, चाहे आप इसकी सब्जी बनाएं या पकौड़े बनाएं, कुछ भी बनाएं, और जो कीड़े मकोड़े आजकल बरसात में आते हैं वो भी अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उबालने के बाद इसको करीब 5-6 बार फिर हम फ्रेश पानी से इसको धोएंगे, तब हम गोभी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम बैंगन की सब्जी बनाते हैं तो खासकर भरवा बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमने करना क्या है कि बैंगन को 4 भागों में चीरा लगाकर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च भर के और गैस में इस तरह से सिम गैस पर कढ़ाई में हम 5-7 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ढक देंगे ताकि बैंगन सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो दोस्तों अगली टिप है हमारी कि जब भी हम मैंगो की कोई भी रेसिपी बनाते हैं, मैंगो का केक बनाते हैं या फिर मैंगो पल्प बनाते हैं या फिर मैंगो गनाश बनाते हैं, तो उसमें मैंगो का गनाश बनाते टाइम हम आधी कटोरी अगर फ्रेश मलाई, घर की मलाई अगर ऐड करते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको हम एज ए पूड़ी सब्जी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं या फिर हम किसी रेसिपी में भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली टिप है हमारी, जब भी हम केक बनाते हैं तो हमें केक बेक करने के लिए नीचे नमक बिछाना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारी गैस की बचत होती है और हमारे समय की भी बचत होती है, क्योंकि बिना नमक के हमें करीब 35 से 40 मिनट लगते हैं और अगर हम नमक बिछाकर बेक करते हैं तो मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगते हैं, तो समय और गैस की दोनों की बचत होती है। दोस्तों अगली टिप है कि जब भी हम गोलगप्पे का मीठा पानी घर में बनाते हैं तो उस पानी में थोड़ी सी हम सौंठ की चटनी मिला दें तो पानी हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और 1 चम्मच अगर हम उसमें चीनी मिला दें तो अलग ही फ्लेवर आता है, बिल्कुल मार्केट की तरह लगती है। तो लीजिए पानी हमारा बनके तैयार है और ये टिप जरूर आप ट्राई करें, बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों अगली टिप है कि जब हमारे घर में बचे हुए साबुन बेकार पड़े होते हैं, किसी यूज में नहीं आते हैं, तो हमने उनको यूज में लाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा लेना है गुनगुना पानी और साबुन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, उसके बाद पानी में करीब 1-2 घंटे तक इनको भिगो दें और भीगने के बाद अच्छे से जब भीग जाए तो मिक्सी जार में डालकर पीस कर इसका हैंड वॉश बना सकते हैं। दोस्तों अगली टिप है, जब हम पनीर लाते हैं तो पनीर हमारा टाइट हो जाता है, तो सॉफ्ट करने के लिए हमें पनीर को गुनगुने पानी में करीब 1/2 घंटे तक रख देना है, तो इससे हमारा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और जो भी आप डिश बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों अगली टिप है हमारी कि जब भी हम पकोड़े बनाते हैं, किसी भी तरह के कोई भी पकोड़े बनाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए कि हमारा बैटर परफेक्ट है या नहीं है, तो एक कटोरी में पानी लेना है और पानी में थोड़ा सा पार्ट ऊपर से डालना है, अगर वो तैर कर ऊपर आ जाता है तो बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट फिटा है,
इससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो ये टिप बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर हमारी टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।